दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी बीमारी पूरे भारत को अपनी चपेट में लिए हुए है। इस बीमारी का नाम है आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस। अगर सामान्य भाषा में बोले तो इसे बोलते हैं आंख आ जाना। भाई मेरी आंख आ गई है, बड़ी परेशानी है, और पूरा भारत इसकी चपेट में आ चुका है। जब कोई इन्फेक्शन यानी संक्रमण काफ़ी सारे लोगों को बीमार कर देता है तो उसे बोलते हैं फ्लू। अब यहाँ आंखों का इन्फेक्शन चल रहा है, आंखों की समस्या काफ़ी सारे लोगों को है, तो इसे बोलते हैं आई फ्लू। हालांकि एक सामान्य है, सामान्य संक्रमण है, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, केयर नहीं करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, इलाज नहीं करते हैं, तो ये बड़ी बीमारी बन जाती है और आंखों को खराब भी कर सकती है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाती है, फैलती है। कारण क्या है इस बीमारी के फैलने का, वायरस या फिर कोई और चीज़? जी हाँ, वायरस के कारण भी यह बीमारी फैलती है और बैक्टीरिया के कारण भी यह बीमारी फैलती है। दोनों चीज़ें इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। अब जान लेते हैं इसके कारण क्या हैं। देखिए, पूरे भारत में अभी आप देख रहे हैं काफ़ी बारिश हो रही है, जिस वजह से जगह जगह पर बाढ़ आई हुई है, पानी इकट्ठा हो गया है, पानी निकल नहीं रहा है। उस वजह से एनवायरनमेंट में जो काफ़ी सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, वायरस मौजूद हैं, वो एक्टिव हो गए हैं यानी सक्रिय हो गए हैं। आमतौर पर आई फ्लू धूल मिट्टी की वजह से या गंदगी की वजह से लोगों को परेशान करता है। हमारी आंख में एक झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली, जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं। जब इस कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या आई फ्लू कहते हैं या फिर आंख आना कहते हैं। बात कर लेते हैं लक्षण के बारे में। तो देखिए, आपकी आंखों में लालपन आ सकता है, आंखें सूज सकती हैं, आंखों में खुजली, जलन हो सकती है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आंखों में चिपकपन हो जाता है। जब आप सोकर के उठते हैं तो आंखें पलकें चिपक जाती हैं, आंखें नहीं खुलती हैं, या फिर आप कहते हैं, आंखें पेशेंट बहुत सारे कहते हैं कि जी आंखों में कुछ कचरा चला गया है, कुछ गिर गया है। जी नहीं, कुछ नहीं गिरा है, वो आई फ्लू का जो संक्रमण है, आप उससे पीड़ित हो चुके हैं, वो आपको असर दिखा रहा है। अब यहां पर बात करते हैं बचाव की, क्या चीजों की आपको सावधानी रखनी है। तो नंबर एक, आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं, तो इन चीजों से आप बचें। अगर आपको आंखों में खुजली या जलन सी होती है तो आंखों को ज्यादा ना रगड़ें, क्योंकि हो सकता है उससे और भी आंखें सूज जाएं। अगर बच्चों को आई फ्लू हो चुका है तो उन्हें स्कूल ना भेजें, अगर नहीं भी हुआ है तो भी थोड़े दिन उनकी छुट्टी करा दें, क्योंकि अगर वो स्कूल में जाते हैं और वहां पर किसी बच्चे को आई फ्लू हुआ है तो उस बच्चे से आई फ्लू आपके घर में पहुंच सकता है और वो आपको भी हो सकता है। अगली चीज आप क्या कर सकते हैं, आप 3-4 बार गुनगुने पानी से अपनी आंखों को धो सकते हैं, बिना साबुन के, केवल गुनगुने पानी से। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखिए 3-4 दिन तक जो रोगी है, जिसको आई फ्लू हुआ है, उसे बाहर निकलने से रोकें, उसे आप बाहर ना जाने दें, चाहे वो काम करता है, जॉब करता है, किसी भी तरह से उसे बाहर जाने से थोड़ा सा उसे रोकें, उसे रेस्ट करने को कहें। अगली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि किसी दूसरे का आपको रुमाल इस्तेमाल नहीं करना है, किसी का तौलिया इस्तेमाल नहीं करना है, या किसी के कपड़े आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। बात करते हैं इसके इलाज की और बचाव की। बचाव कैसे कर सकते हैं, आप एक चश्मा हमेशा इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको आई फ्लू है तो दूसरों को बचाइए, और अगर दूसरों को है तो जब आप चश्मा पहनेंगे तो आपको आई फ्लू नहीं होगा, तो कॉन्टैक्ट आपका डायरेक्ट नहीं होगा पेशेंट से या फिर आपसे किसी अदर पर्सन को, इसका बचाव आप कर सकते हैं। अगली चीज़ आपको जो इस्तेमाल करनी है, जो बचाव के लिए, एक साल्ट बता रहा हूँ, फिर कंपनी का नाम भी बताऊँगा कि वो कौन सी ड्रॉप है। ये जो ड्रॉप है इसमें है मोक्सीफ्लोक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन, ये दो दवाइयाँ हैं एक ड्रॉप के अंदर। तो ये मैंने साल्ट बताया, जिस भी कंपनी में, चाहे सिप्ला है, चाहे वो किसी रैनबैक्सी है, चाहे डॉक्टर मोरपेन है, या कोई भी अदर कंपनी है, जिसमें भी मिले, या आपको जेनरिक भी लेनी है, सस्ती जो मिल जाती है वो भी आप ले सकते हैं, साल्ट यही होना चाहिए। तो मैं कुछ आपको ड्रॉप दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले नंबर पर है मोक्सीसिप डी आई ड्रॉप, ये सिप्ला कंपनी बनाती है और उसकी कीमत है 207 रुपये, और ये आती है 5 ml की क्वांटिटी में। नंबर दो पर आती है विगाडेक्सा, ये नोवार्टिस कंपनी बनाती है और इसकी कीमत है 327 रुपये, और ये भी 5 ml की क्वांटिटी में आती है। हालांकि आप जेनरिक भी ले सकते हैं, सस्ती भी ले सकते हैं, कोई कंपनी ऐसी चुन करके जो आपको कम रेट में मिल रही हो, जैसे कि मोक्सीग्राम डीएम आप ले सकते हैं, ये माइक्रोलैब कंपनी बनाती है और 116 रुपये की 5 ml की क्वांटिटी में आपको मिल जाती है। बाकी आप सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं, जब आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे वहाँ आपको सब्स्टिट्यूट दिखाई देगा, वहाँ पर आपको वो स्टोर वाला बता देगा कि कौन सी सस्ती है उसके पास, वो आप ले सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है, देखिए जो ये ड्रॉप है आपको दोनों आंखों में इस्तेमाल करनी है, भले आपकी राइट आई इन्फेक्टेड है या फिर लेफ्ट आई इन्फेक्टेड है या बोथ आई आपकी इन्फेक्टेड है, दोनों आंखों में इन्फेक्शन है, अब दोनों आंखों में ही इस्तेमाल करें। 3 बूंद इस आंख में, 3 बूंद इस आंख में, और जब आप बूंद डालें तो 5 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके लेट जाएं, ताकि वो दवाई अंदर अच्छे से काम कर सके। जैसे आप कपड़े भिगो करके रख देते हैं, कपड़ों का मैल फूल जाता है, फिर आप ब्रश से रगड़ के साफ कर देते हैं, तो अंदर दवाई वो
काम कर जाएगी। आपको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। जो लोग सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सुबह शाम तो करें ही करें, दोपहर में हो सकता है वो बाहर हो कहीं या उन्हें मजबूरी में जाना पड़े, चश्मा आप इस्तेमाल करें। मजबूरी में आप बाहर गए हुए हैं तो सुबह शाम इस्तेमाल करें, लेकिन अगर बाहर भी जा रहे हैं तो ड्रॉप आप जेब में डाल करके जा सकते हैं, अगर मौका लगे तो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों उम्मीद है कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू यानी आँख आने से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।